Good morning, dear student. Welcome to my class. Today we will start revision of chapter 1. आज हम chapter 1 की revision start करेंगे. Question number 1. Write the number name for each of the following. हमें एक numeral दिया गया है. इसका हमने क्या लिखना है? Number name लिखना है. Step 1. Start ones. Tens, hundreds, thousands, आप लिख लीजिए. Ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands. Okay, student. Next, lakh. ओके स्टूडेंट, फिर है 10 लाख, फिर है करोड़, फिर है 10 करोड़. क्लियर? फिर से देखिए. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स. नेक्स्ट है लाख, फिर है 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़. क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कहाँ तक के नंबर हैं? ये 10 करोड़ तक के नंबर हैं. अब देखिए 23 करोड़, फिर है 12,45,835. 12,45,835. अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे. 23 करोड़ मीन्स 20 करोड़ प्लस 3 करोड़. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट चलिए 23 करोड़, फिर है 12 लाख. It means 10 lakh plus 2 lakh. अब लिखिए आप 12 lakh. 12 lakh. Next देखिए 45,000. It means 40,000 plus 5,000. 45,000. अब देखिए 8 इज इन हंड्रेड्स प्लेस. 800. 835. इट मीन्स 3 tens 5 ones. क्या नंबर नेम बन गया? 23 करोड़ 12,45,835. नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट पर. इसमें भी स्टूडेंट्स हमने देखना है कहाँ तक के हमारे पास नंबर है. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. अब देखिए हमारे पास क्या नंबर नेम बनेगा. 48 करोड़, 88 लाख, 88,888. स्टार्ट 48 करोड़ 88 लाख. eighty eight thousand eight hundred eighty eight.
888. क्लियर? क्या नंबर नेम आ गया हमारे पास? 48,88,88,888. नेक्स्ट चलिए सेकंड पर. क्वेश्चन नंबर टू, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें नंबर नेम दिया गया है, इसका हमने क्या लिखना है? न्यूमेरल लिखना है. सबसे पहले देखिए 45 करोड़ आप लिखेंगे. 45, ओके, 45 करोड़. नेक्स्ट है 67,000. देयर इज नो लैक्स एंड 10 लैक्स. अब हम क्या करेंगे? 10 लाख की जीरो और 1 लाख की जीरो, ओके. 67,000 लिख देंगे. उसके बाद है 145. अब देखिए हमारे पास क्या नंबर आ गया? 45 करोड़ 67,145. इसको आप काउंट करके देखिए. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलिए 87 करोड़. सबसे पहले लिखिए आप 87 करोड़. इसके बाद है 16 लाख. इट मीन्स 10 लाख प्लस 6 लाख, 16 लाख. इसके बाद है 45,406. ओके स्टूडेंट, हर पीरियड के बाद आपने थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है, शॉर्ट स्पेस देना है, ओके. अब देखिए हमारे पास क्या न्यूमरल आ गया? 87,16,45,406. क्लियर स्टूडेंट? वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग. इसमें हमने क्या करना है? हमें एक न्यूमरल दिया गया है, इसमें हमने हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है. सबसे पहले आप देखिए 8, 8 इज इन वंस प्लेस, ओके स्टूडेंट. 8 क्या है? वंस प्लेस पर है. 4 इज इन टेंस प्लेस, 4 क्या है? टेंस प्लेस पर. 3 इज इन हंड्रेड्स प्लेस, 2 इज इन थाउजेंड्स प्लेस, 3 इज इन 10,000 प्लेस, 1 इज इन लैक्स प्लेस, 4 इज इन 10 लैक्स प्लेस, 1 इज इन करोड़ प्लेस एंड 2 इज इन 10 करोड़ प्लेस. और हमारे पास न्यूमरल क्या है? 21,41,32,348. अब हम क्या करेंगे? जैसे कि 2 है, 2 किस प्लेस पर है? 10 करोड़ प्लेस पर है. अब हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 करोड़ से और हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा? 20 करोड़. क्या नंबर आ जाएगा? 20 करोड़. यस, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 करोड़. ओके, नेक्स्ट देखिए 1 इज इन करोड़ प्लेस. 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 करोड़ से. किससे करेंगे? 1 करोड़ से. लिखिए, नेक्स्ट देखिए 4 इज इन 10 लैक्स प्लेस, इट मींस 40 लाख. 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 लाख से. ओके स्टूडेंट, 4 को करेंगे 10 लाख से. अब देखिए 4 40 लाख हो जाएगी. नेक्स्ट देखिए 1 को करेंगे हम 1 लाख से. ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1 को हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए 3 इज इन 10,000 प्लेस. 3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10,000 से. तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 30,000.
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, टू इज इन थाउजेंड्स प्लेस, टू को मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड से और हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 2000। उसके बाद है 300, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो जिस प्लेस पर होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 100 इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट देखिए, 4 इज इन 10th प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 4 × 10 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट देखिए, 8 इज इन 1's प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 8 × 1 इज इक्वल टू 8। अब हमें हर डिजिट की प्लेस वैल्यू पता चल गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलिए सेकंड पर। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले काउंट कीजिए, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लिख सकते हैं आप, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, इसके बाद है लैक, फिर है 10 लाख, फिर है करोड़। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम 4 किस प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, लैक, 10 लाख, करोड़। 4 इज इन करोड़्स प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 4 × 1 करोड़ इज इक्वल टू, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 करोड़ से तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 4 करोड़। क्या आ जाएगा, 4 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 0 है, इसके बाद है लाख। अब हम देखेंगे 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 इज इन लाख्स प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 7 लाख, 7 × 1 लाख, तो क्या हो जाएगी, 7 लाख। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले 7 की, 7 इज इन नेक्स्ट 7 इज इन थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज क्या हो जाएगी, 7 × 10,000 इज इक्वल टू 70,000। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 0, 0, 0, ओके, 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए, 3rd 7 इज इन 1's प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 7 × 1 इज इक्वल टू 7। अब देखिए, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 4 करोड़, फिर है 7 लाख, फिर है 7000, 7 4 करोड़ 7 लाख 7000 7। क्लियर। अब हमें सभी डिजिट की प्लेस वैल्यू पता चल गई। अब देखिए स्टूडेंट, हमें किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पता करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो जिस प्लेस पर है हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1st प्लेस पर है तो वो कौन सा प्लेस होगा, 1st प्लेस, 2nd प्लेस इज 10th प्लेस, 3rd प्लेस इज 100th प्लेस, 4th प्लेस इज 1000th प्लेस, एंड 5th प्लेस इज 10,000th प्लेस, एंड 6th प्लेस इज लैक्स प्लेस, 7th प्लेस इज 10 लैक्स प्लेस, 8th प्लेस इज करोड़्स प्लेस, एंड 9th प्लेस इज 10 करोड़ प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।